रफल विमानों का जय जयकार हुआ तो आलोचक कहने लगे कि यहाँ पर लोग वैक्सीन की राह देख रहे हैं और सरकार रफाल के जयघोष में डूबी हुई है। अब आलोचक समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना तो आज है, कल नहीं रहेगा। सरकार एक ऐसी बड़ी चीज की, एक ऐसे बड़े विषाणु की वैक्सीन में पड़ी हुई है जो विषाणु आदिकाल से चला आ रहा है, और वो विषाणु है झूठ का विषाणु। जी हाँ, आप सही समझे हैं। सरकार झूठ के विषाणु की प्रतिरोधक रसी बनाने में, अब समझिए कि दूसरे तीसरे स्टेज में पहुंच चुकी है और बड़े पैमाने पे उसके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वैक्सीन का मूल सिद्धांत तो आपको मालूम है कि जिस विषाणु से हमें खतरा होता है उसी विषाणु की छोटी मात्रा, कम मात्रा, डाइल्यूटेड मात्रा हमको शरीर में दी जाती है। फिर हमारा शरीर वो विषाणु से अभ्यस्त होता है, उसका प्रतिरोध करने लगता है, और जब असली विषाणु आता है तो हमारा शरीर उसके सामने टिक जाता है। अब झूठ का विषाणु कितना खतरनाक है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। न जाने कितनी सरकारें झूठ के कारण मुश्किल में आ गई होगी, गिरने के कगार पर आ गई होगी। जब सरकार गिरती है या गिरने के कगार पे आती है या तो मुश्किल में आती है तो उसकी अस्थिरता समाज में फैलती है, सेंसेक्स पे उसका असर होता है। तो ये झूठ के प्राचीन विषाणु से निजात पाने के लिए शायद सरकार ये प्रयोग कर रही है, ऐसा लगता है। प्रयोग बड़ा सीधा साधा है। हो सके तो आपको झूठ के छोटे छोटे डोज हर रोज दिए जाने चाहिए। मतलब आप रोज झूठ लेते रहेंगे तो झूठ से आप धीरे धीरे करके प्रूफ होने लगेंगे। और गुजराती में तो कहते हैं कि जहर को जहर से ही मारा जाता है, तो मतलब झूठ से आपका प्रतिरोध कैसे डेवलप हो। तो आपको छोटा 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 डोज करके फिर डोज बढ़ाते जाना है। तो ऐसा करने से एक स्टेज ये आएगा कि आपके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में झूठ बोला जाए, सीमा के बारे में झूठ बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जाए, तब भी आपको कुछ नहीं होगा, सरकार को कुछ नहीं होगा और देश में एकदम स्थिरता छाई रहेगी। तो आपको स्थिरता पसंद है कि नहीं है? तो अब वीडियो से मुलाकात तो 2-3 दिन के बाद फिर होगी, लेकिन तब तक ये आप झूठ के वैक्सीन के टीके डलवाना और डलवाते रहना मत भूलिएगा।